हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट करने के लिए प्लान तैयार किया हुआ है। अफगानिस्तान के कोच उमर गल का बयान आ गया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बोलिंग कोच उमर गल ने कहा है कि इनकी टीम ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बीटर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ प्लान तैयार किया हुआ है। शारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर गल का कहना था कि अफगानिस्तान टीम सुपर फोर में पहला मैच नहीं जीत सकी। ग्रुप मैचेस में टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से पौरात्माद है कि कल के मैच में अच्छा खेलेंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बीटर मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। इनके खिलाफ प्लान तैयार किया हुआ है। देखते हैं कि बोलर्स इस पर कैसे अमल करते हैं। अफगान क्रिकेट टीम के हेड कोच का कहना था कि जो गलतियां पिछले मैच में की इन्हें नहीं दोहराएंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा मैच होगा। शारजा में बहुत जोश व खरोश है। शारजा में अफगानिस्तान टीम के बहुत फैंस हैं। उम्मीद है कि शायकीन क्रिकेट स्टेडियम आएंगे। उमर गल का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ इसे भला कर मैदान में उतरेंगे, नए मैच पर फोकस होगा। इन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को अपने रोल का आलम होना चाहिए। जब मैं खेलता था तो डेथ ओवर्स करवाना मेरा रोल था। पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह से मुतालिक उमर गल का कहना था कि नसीम के साथ क्वेटा ग्लेडिएटर्स में रहा हूं, इनमें बेहतरी आई है, नए ख्वाहिशात नसीम शाह के साथ हैं। उमर गल ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। दोनों ममालिक के फिंस को कहूंगा कि इसे मैच ही लेना चाहिए। हम दोनों हमसाया ममालिक हैं और हम मुसलमान ममालिक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने बताया कि बेटर्स की तरह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बोलर्स के लिए भी प्लान बनाया हुआ है। उमर गल ने कहा कि पाकिस्तान टीम में शाहीन आफरीदी की कमी महसूस की जा रही है। वो पाकिस्तान के तजर्बाकार बोलर हैं। इन्होंने ये भी कहा कि शाहीन आफरीदी के अलावा भी बोलर्स बासलाहियत हैं और तेज गेंदे कर रहे हैं। ताहम नसीम शाह, शाहनवाज दहानी और हसनैन अभी नौजवान हैं। इनको किसी के मुतबादिल होने का कहना कबलज वक्त होगा। कैच ड्रॉप पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि कैच ड्रॉप होना खेल का हिस्सा है। मेरी बोलिंग पर जब कैच ड्रॉप होता तो मुझे गुस्से नहीं आता था। अफगान क्रिकेट टीम के बोलिंग कोच का कहना था कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अहम खिलाड़ी हैं। बैटिंग इनके उर्द गिर्द घूमती है। ख्वाहिश है कि वो रन करें, फार्म में वापस आना मुश्किल नहीं। ताहम इन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम का रन ना करना अफगानिस्तान टीम के लिए अच्छा हो सकता है।